आज बरेली के IMA हॉल में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी शिवा कांत द्विवेदी ने बताया कि निवेश किया गया है, अभी तक 18,000 करोड़ के निवेश की फाइल आ चुकी है। शासन के आदेश हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में उद्योग लगाया जाए, निवेशकों को न्योता दिया जाए, टूरिज्म के क्षेत्र में मैं बढ़ावा दिया जाए। सरकार द्वारा निवेशकों को बुलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में निवेशक उत्साहित है प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और सरकार के निर्देशानुसार निवेशकों का व्यापार सुरक्षित रहे। DIG अखिलेश चौरसिया ने प्रदेश सरकार की ओर से 12 फरवरी तक इन्वेस्टर्स महाकुंभ का आयोजन किया है। बरेली में अधिक से अधिक संख्या में इन्वेस्टर्स उद्योग लगा रहे हैं, बरेली का कायाकल्प होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और पुलिस प्रशासन पूर्ण सुरक्षा उद्यमियों को देगा। IMA हॉल में यूपी इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में विभिन्न उद्योगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए और अपने अपने प्रोडक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विधानसभा के विधायक, सांसद, भाजपा कार्यकर्ता और उद्योगपति शामिल रहे।